हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप लोग को पता होगा और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह पांचवें वेद शास्त्र के तौर पर जाना जाता है और हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति भी है यह। इसी महाकाव्य से भगवद गीता का उद्गम हुआ है। भगवद गीता में कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इसलिए इसे सत्साहित्री संहिता भी कहा जाता है। हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच के इस शत्रुता में चौसर के खेल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके परिणाम स्वरूप ही पांडव कौरवों से अपना राज्य एवं पत्नी द्रौपदी दोनों को हार गए थे। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसे भगवद गीता भी कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने परिजनों की हत्या के अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे और ध्रुवीय पहाड़ों की महान यात्रा पर निकल पड़े थे। इस यात्रा के दौरान स्वर्ग का द्वार बनाने वाले युधिष्ठिर का देहांत हो गया था। ये आप लोगों को पता ही होगा कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा था, पर कैसे लिखा था क्या आप लोगों को पता है? महाभारत का संयोजन महर्षि वेदव्यास ने किया था और इसकी रचना भगवान गणेश जी ने इस शर्त पर की थी कि महर्षि वेदव्यास बिना एक बार भी रुके लिखे जाने वाले श्लोकों का लगातार उच्चारण करते रहेंगे। फिर वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि वे श्लोकों का अर्थ समझने के साथ ही उसका उच्चारण करेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने दिमाग में व्याख्या किए बिना नहीं लिखेंगे। इसलिए इस तरीके से पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेदव्यास कठिन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जिससे समझने में गणेश को वक्त लग जाता और उसी समय वेदव्यास थोड़ा विश्राम कर लेते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेदव्यास नाम नहीं है बल्कि एक पद है, जिसे वेदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कृष्णद्वीपायन से पहले 27 वेदव्यास थे और कृष्णद्वीपायन 28वें वेदव्यास हुए। भगवान कृष्ण के रंग जैसे श्याम वर्ण और द्वीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें यह नाम दिया गया था। अजीब है लेकिन सच है। याज्ञ गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता आदि जैसी 10 अन्य गीताएं भी है। हालांकि श्री भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। वैशंपायन वेदव्यास के शिष्य ने राजा जनमेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्प यज्ञ किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मदनमय के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और एक चमत्कारी मंत्र बताया उन्हें। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी, इसलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्य देव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ था। शायद ही आप लोगों को पता होगा कि दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का खेल जीता और युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाएं जंघा पर बैठने के लिए कहा। इसी वजह से वो खलनायक के रूप में जाना गया। लेकिन उस समय पत्नी को पुरुष के बाएं जंघा या बाएं तरफ और पुत्रियों को दाएं जंघा या दाएं तरफ रखा जाता था। आमतौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर खेल में हराया था उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज के बने थे इसके बारे में किसी को नहीं पता था। कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे। वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच में नहीं था बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसके हिस्सा थी। अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी जो 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था क्योंकि वह उर्वशी को माँ कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञात वास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा।
वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और ब्रिनहल्ला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। दुर्योधन ने भगवद गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया कि वह सही और गलत के बारे में जानता है। उसने यह भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही। अगर उसने कृष्ण की बात सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता था। एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ था। रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण ने उन्हें मार डाला था, इसलिए गुरु दक्षिणा के तौर पर कृष्ण ने उन्हें पुनर्जन्म लेने और द्रोणा से बदला पूरा करने का वरदान दिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को तोड़ा था। ये तब हुआ जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है, वह असहाय हो गया है। तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध की भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल दिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।